नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीव सेवा ही शिव सेवा पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्मार्टफोन के लिए बेस्ट कैमरा ऐप। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। यह कैमरा ऐप जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह कैमरा ऐप चाहे दिन हो या रात, यह बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त क्वालिटी की पिक्चर हमें खींच कर देता है। यह बहुत अच्छी इमेज कैप्चर करता है और बिल्कुल नेचुरल इमेज कैप्चर करता है, दिन में भी और रात में भी किसी भी समय। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आप अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप इसमें सर्च कीजिए कैमरा FV5 Lite। इसे सर्च करने के बाद आप इसे डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और ओपन करके इमेज कैप्चर करके देखिए। तो यह मेरे पास पहले से डाउनलोड है, तो मैं आपको इससे इमेज कैप्चर करके दिखा रहा हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और इसे अंत तक अवश्य देखें। तो इस कैमरा ऐप को मैंने ओपन किया। इसे ओपन करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ इमेज कैप्चर करके। तो आप देख सकते हैं इस इमेज की क्वालिटी कितनी शानदार क्वालिटी की इमेज जो है यह कैप्चर करता है, और यह अनार का फूल जो है कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक और इमेज कैप्चर करके दिखाता हूँ, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। इसकी कैमरा क्वालिटी भी गजब है। यह इमेज कैप्चर करने के बाद जो है इमेज को बहुत हद तक नेचुरल करता है। आप इस पर देख सकते हैं, इस पर छोटी से छोटी चीज़ दिखाई दे रही है, पौधे की पत्तियों से लेकर फूल तक सब कुछ इसमें जो है बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है। दोनों इमेजेस में आप देख सकते हैं। तो यदि आप बेस्ट कैमरा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस कैमरा ऐप को अवश्य डाउनलोड करें और इसका इस्तेमाल करें। यह कैमरा ऐप जो है बहुत ही शानदार तस्वीरें कैप्चर करता है, जैसा कि यह मैंने एक और रात के समय में इमेज कैप्चर की थी, बहुत ही शानदार और नेचुरल लुकिंग इमेज है। तो आप इस तरह से अपने दिन हो या रात कभी भी कैमरे से एकदम बेहतरीन इमेजेस लेने के लिए इस कैमरा ऐप को अवश्य डाउनलोड करें। तो यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी अन्य लोगों तक पहुँच सके, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद।